एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जिसे स्पेस एजेंसियों ने भी प्रोडक्शन हेजिटेरियस की लिस्ट में शामिल किया है, वह हमारी धरती की तरफ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अप्रैल फूल के दिन यानी 1 अप्रैल को यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा और ये कोई मजाक नहीं है। इस विशाल का एस्ट्रॉइड को नासा द्वारा ट्रैक किया जा रहा है और ये 30,000 प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसका ऑफिशियली नेम 2007 FF1 रखा गया है। अकॉर्डिंग टू नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, इस मैसिव एस्ट्रॉइड का साइज तकरीबन ताजमहल से 3 गुना बड़ा है, यानी 260 मीटर। अगर ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराता है तो ये पूरी पृथ्वी को तबाह करने की ताकत रखता है। 2007 FF1 को स्पेस एजेंसियों द्वारा अपोलो क्लास के एस्ट्रॉइड में जाना जाता है, जिसमें ये लगभग 15,000 है। यानी कि यह एस्ट्रॉइड सूरज का चक्कर 654 दिनों में पूरा करता है। इस एस्ट्रॉइड का इसके साइज के अकॉर्डिंग खतरनाक माना जा रहा है। 24 मार्च को वर्चुअल टेलीस्कोप की मदद से इस एस्ट्रॉइड की ब्लरी तस्वीर ली गई थी। तब यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से लगभग 11.6 मिलियन माइल की दूरी पर था। ये फोटो पहली एविडेंस बनी जिसमें ये कंफर्म किया गया कि यह एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से फ्लाई बैक करने जा रहा है। ये एस्ट्रॉइड IST के अकॉर्डिंग दोपहर के 2:05 पर पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। तब इस एस्ट्रॉइड की दूरी लगभग 4.6 मिलियन किलोमीटर की होगी। मार्च 2007 में खोजे जाने के बाद इस एस्ट्रॉइड का ये दूसरी बार पृथ्वी के करीब से गुजरने जा रहा है। अगस्त 2020 में इस एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से मिनिमम दूरी 10.8 मिलियन किलोमीटर तक की पहुंच गई थी और लगभग 29,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल कर रहा था। स्पेस रेफरेंस ORG के अकॉर्डिंग 47,950 प्रति घंटे की रफ्तार से इसका अगला फ्लाईबाई होगा, जो कि 2 अप्रैल 2037 को होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तब ये पृथ्वी से 4.9 मिलियन माइल की दूरी पर होगा।